इला है या नबी, कल भी था आज भी ये अकीदा है या नबी, कल भी था आज भी ये अकीदा है या नबी, कल भी था आज भी या नबी, कल भी था आज भी ये अकीदा है या नबी, जहाँ से करीब आपका, जहाँ से करीब आप करिश्ता है या नबी, जहाँ से करीब आपका रिश्ता है या नबी, तेरे लिए खुदा ने जमाने सजाए हैं, तेरे लिए खुदा ने जमाने सजाए हैं, तेरे लिए खुदा सजाए गए, हर दौर तेरे दौर का, हर दौर तेरे दौर का सदका बाबो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब उन्नाव, नारे तकबीर, दौर का सदका है या नबी, हर दौर तेरे दौर का सदका गया नबी। एक शेर पढ़ता हूँ और बता दीजिएगा, आपके आप शायरी समझते हैं, हुजूर का इश्क समझते हैं, लफ्ज समझते हैं, नाद समझते हैं, ठीक है, बोलेंगे ना जी जी। ऐसे बैठने के लिए खामोशी के साथ आए हैं कि सुभान अल्लाह भी कहना जानते हैं, सुभान अल्लाह, जरा मिल के कहिए सुभान अल्लाह, मैं देखूंगा आपके अंदर हुजूर का किस तरह इश्क है, मैं पेश करता हूँ, समाज करें, बच्चे को माँ का दूध हुआ जिस तरह हलाल, बच्चे को माँ का, बच्चे को माँ का दूध हुआ जिस तरह हलाल, सांसों पे ऐसे आपका कब्जा है या नबी, सांसों पे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठा खुले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, बहुत बड़ा शेर पढ़ा भाई, दोबारा पढ़ा शेर, बहुत बड़ा शेर माशाल्लाह, दोबारा बहुत बड़ा शेर पढ़ा गया, बहुत बड़ा शेर पढ़ा गया, बच्चे को माँ का दूध हुआ जिस तरह हलाल, बच्चे को माँ का दूध हुआ जिस तरह हलाल, सांसों पे ऐसे आपका, सांसों पे ऐसे आपका कब्जा है या नबी, सांसों पे ऐसे आपका कब्जा है या नबी, सांसों पे ऐसे आ, सुभान अल्लाह, नहीं आपको पढ़ना है, माइक ऑपरेटर आवाज बढ़ाइए और ये बेस कम कीजिए, बाकी बहुत अच्छा है, आपको क्या पढ़ना है, सांसों पे ऐसे आपका कब्जा है या नबी, सांसों पे ऐसे आपका कब्जा, क्या बात है, अगर सब मिलके पढ़े यार तो हुजूर का ये इश्क का रंग उबाला हो जाए, सांसों पे ऐसे आपका कब्जा, सांसों पे से आपका कब्जा, ये
देखिए ये छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे हैं, अल्लाह इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने अपने बच्चों को हुजूर की नाद के लिए भेजा है। अगर ये बच्चे इसी तरह हुजूर की नाद सुनते रहे ना तो मैं पूरी गारंटी के साथ आदिल मियां के वसीले से कह सकता हूँ कि ये दुनिया में कुछ बने या ना बने हुजूर के गुस्ताख नहीं बनेंगे, और हुजूर के गुस्ताख ना बने ये बहुत बड़ी बात है। जब सादात इकराम के साए तले रहेंगे तो इंशाल्लाह हुजूर के आशिक बनेंगे। तो खुल के कहें ऐसे ऐसे सांसों पे ऐसे आपका कब्जा, वाह, सांसों पे ऐसे आपका कब्जा, सांसों पे ऐसे आपका कब्जा है या नबी। मौजूद लोग बैठे हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फैसला आप कीजिएगा कैसा शेर है। हम टूट कर बिखर गए होते जहान में, संभाल के रखा। सब कहें तुमने हमें संभाल के रखा। बेशक कोई आपका कुछ कर नहीं सकता, कहने की बात नहीं। सन 2000 फला में मुसलमान नहीं रहेगा, सन 2000 फला में नहीं रहेगा, कहते रहे हमारा क्या अकीदा है। तुमने हमें संभाल के रखा, तुमने हमें संभाल के रखा है या नबी, तुमने हमें संभाल के रखा है या नबी, तुमने हमें संभाल के रखा है या नबी, तुमने हमें संभाल के रखा है या नबी। अब एक शेर, हम अहले बैत के दीवाने हैं, हम सहाबा के बीच आने वाले हैं। ऐसी वफा के जिसपे फरिश्ते गवाही दें, ऐसी वफा के जिसपे फरिश्ते गवाही दें, ऐसी वफा के जिसपे फरिश्ते गवाही दें, सिद्दीक तेरे इश्क में, सिद्दीक तेरे इश्क में सच्चा है या नबी, सिद्दीक तेरे इश्क में सच्चा है या नबी, कलबी ताज भी ये अकीदा जो 22,000 मुरब्बा मील का मालिक था, आधी दुनिया पर जिसने हुकूमत की। साइंस कहती है ये
यहूदी कहते हैं अगर उम्र 10 से 15 साल और रह जाती तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होता। मैं उस उम्र की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो उम्र पहले क्या थे और फिर बाद में क्या हुआ। मैं शेर पेश करता हूँ, मेरे नबी की निगाह करम देखें। जहाँ से करीब आप करिश्ता या नबी, जहाँ से करीब आप करिश्ता नबी, जहाँ से करीब आपका रिश्ता गया नबी, जहाँ से करीब आपका रिश्ता है या नबी, दुनिया में जिसके दम से अदालत चमक उठे, दुनिया में जिसके दम से अदालत चमक उठी, तुमने उमर को ऐसे तराशा है या नबी, तुमने उमर को ऐसे तराशा है या नबी, तुमने उमर को ऐसे तराशा बहुत बड़ा शेर पड़ा। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम तल्लो के शेर को खड़े होकर सुनने, खड़े हो जाए तमाम तल्लो खड़े होकर सुन। बहुत बड़ा शेर पड़ा माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सुलेमानी, कुरान मेरे मुजस्सम उन्नाव, वाह वाह वाह। दुनिया में जिसके दम से अदालत चमक उठी, तुमने उमर को सतराशा है या नबी, तुमने उमर को ऐसे तराशा, वाह, जहाँ से करीब आप करिश्ता, तुमने उमर को ऐसे तराशा है या नबी, दुनिया में जिसके दम से अदालत चमक उठी, तुमने उमर को ऐसे तराशा है या नबी, तुमने उमर को ऐसे तराशा है या जरूर पढ़ूंगा। इसमें एक शेर खासकर मुझे बहुत पसंद है, या हर्फ निदा है, और वहाबी कहता है कि या नबी नहीं कह सकते, मतलब हुजूर को पुकार नहीं सकते। मैं एक अकीदा बताता हूं और ईमान बताता हूं, और अल्लाह आपको तौफीक दे तो अपने रिश्तेदारों से ये बात कह के जाएं, ठीक है। मैं जो मिसरों में पेश करने लगा हूं समाज के, जहाँ से करीब आप करिश्ता, बढ़ा दो आवाज, बढ़ा दो, मैं पढ़ता हूँ, देखिए। आए जरूर होंगे मदद के लिए हुजूर, मरहूम के मजार पे, मरहूम के मजार पे लिखा है या नबी, मरहूम के मजार पे लिखा, मरहूम के मजार पे लिखा है या नबी, उसके लिए जवाल का इम्कान भी नहीं, 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 नहीं।
तेरे करम के साथ जो उभरा है नबी, तेरे करम के साथ जो उभरा है या नबी, कल भी ताज भी ये अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, इस कलाम में और बहुत अच्छे अच्छे शेर थे, लेकिन अच्छा इसका एक शेर और सुनो। जादू महशर की भीड़ जिसका है चर्चा हदीस में, महशर की भीड़ जिसका है चर्चा हदीस में, वो भी तो तेरे नाम का जलसा है या नबे, वो भी तो तेरे नाम का जलसा है या नबे, वो भी तो तेरे नाम का जलसा है या नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बनके आला हजरत सईदी सरकार वासिल मियां साहिब बिला, नारे मदीना 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 हर सांस से आती है सदा हाय मदीना, हर सांस से आती है सदा हाय मदीना, मदीना 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 मदीना, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, वो भी तो आए मैं भी कहूँ, अरे वो भी तो आए मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया, हर सांस से आती है सदा आए मदीना। खुल के गाओ, शर्माना नहीं है, जब ऐसी मुकद्दस शख्सियत आपके सामने हो, जमानत इतनी मजबूत हो, तो आपको खुल के कहना चाहिए। कौन सी रट है मदीने पाक की? जब तक खुलूस नियत के साथ इस लफ्ज को कोई दोहराए नहीं, तो मैं समझता हूँ कि वली ना हो पाए। जरा खुल के कहें मदीना मदीना मदीना, हाथों को उठा के मदीना 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 आका मेरे आका मुझे मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीछे उठो, पीछे उठो, पीछे उठो।
बैठे आप लोग, मुकद्दस उलमाए इकराम की आमद है माशाल्लाह। आप देखें और अपनी आंखों में रोशनी के इजाफे का सबब पैदा करें। जरा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह, और कुल के कहें सुभान अल्लाह। यादिर मियां का हुक्म था इसलिए मैंने इस कलाम को शुरू किया। जरा मिल के कहें मदीना 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 आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। मदीना 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 मदीना। चूंकि वक्त बहुत कम है, एक आखिरी शेर सुन लें जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बाहर जिस शेर के लिए मुझे मुबारकबादी आई है। तमाम तर असाज़ा अदब बैठे हैं, काजी शहर बनारस बैठे हैं, अल्लामा गुलाम यासीन शाह साहब किला और सैयद आदिल भी तो बैठे ही हैं। मैं ये शेर आला हजरत के चाहने वालों के लिए पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जरा मिल के कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और मेरे साथ जरा खुल के कहिए, शर्माइए नहीं। मदीना 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 मदीना। देखिए रोका रोका है इसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका है इसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने, राहों में अदब ने, वरना ये रजा सर दे, वरना मदीना 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 मदीना। सुकून मिलेगा वहीं जब मदीने जाऊंगा। सवाल ये है कि मैं कब मदीने जाऊंगा। मदीना 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 हर सांस से आती है सदा, मदीना मदीना मदीना।